दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने प्रोमो वीडियो में कहा था कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है बुक्स रिव्यू टीटी ब्लॉग, और इसकी इसका पहला वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। उसका मकसद यही था कि मैं जैसे जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उनका मैं एक तरह से रिव्यू करके उसको एक तरह से समराइज करके वीडियो बना के डालूंगा, जिससे कि जिन लोगों को किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट है उसको एक शॉर्ट समरी उस बुक के रिगार्डिंग मिल जाए। तो उसकी शुरुआत आज करने जा रहा हूँ। पहली बुक जो आज मैं जिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ वो संजय बारू जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र थे, उनकी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बुक्स थी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू की बुक है। आप देखिए इसमें आपके करीब ज़्यादा नहीं, करीब 301 पेज की ये किताब है और आपको कहीं भी मार्केट में बहुत अच्छे हर बुक स्टॉल में लगभग अवेलेबल है। तो ये किताब पढ़ने का और इसके वीडियो को शेयर करने का पर्पज ये था, जिसने ये किताब पढ़ ली है बहुत अच्छी बात है, जिसने ये किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपको भारत के लोकतंत्र में, सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है और जो उसके सारे आसपास मंत्री होते हैं, आसपास में लोग होते हैं, उनके पार्टी होती हैं, ये हमें बाहर से पता है लेकिन हमें नहीं पता अंदर जो है क्या चलता है, काम कैसे होता है, क्या क्या इंटरफेरेंस होती हैं और किस तरीके से सरकार कोऑर्डिनेट करती है, कोलिशन गवर्नमेंट कैसे चलती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज आपको इस किताब से मिलेगी। और इस किताब से एक बात और आपको पता चलेगी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, भारत सरकार जिसमें कम से कम सबसे ज़्यादा बार सरकार चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस को है, और उसमें भी दो टर्म जो यूपीए की गवर्नमेंट, इन्होंने कोलिशन की गवर्नमेंट कांग्रेस ने चलाई, दोनों टाइम जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उनके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो इस किताब में आपको समझ में आएंगी। और ब्यूरोक्रेसी सरकार में कैसे हावी होती है, पार्टियां कैसे हावी होती हैं, पॉलिटिकल एम्बिशंस कैसे ओवरशैडो करते हैं गवर्नमेंट के कामों को, ये सब इस किताब में आपको मिलेगा। इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, कुछ मैंने कंटेंट इसके लिए आइडेंटिफाई करे हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है कि वो एक जो है पपेट थे सोनिया गांधी जी के, और एक तरह से वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्रधानमंत्री ऐसे ही बना दिया गया था, पर सरकार एक्चुअल में जो है वो आपके जो चलाते थे वो कांग्रेस पार्टी चलाती थी, सोनिया की पार्टी चलाती थी। इस बात का आपको इस किताब के अंदर पूरा ब्यौरा मिलेगा। तो मैं कुछ कंटेंट हैं जो किस तरीके से ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे सोनिया गांधी और कांग्रेस, उनके कुछ दो चार लोग कैसे इंटरफेरेंस करते थे गवर्नमेंट के कामों में, ये सब आपको इस किताब में मिलेगा। सो सबसे पहला इसमें एक जो मुझे मिला, आप पेज नंबर 72 आप पढ़ें, तो ये पेज नंबर 72 में लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट चलती है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, प्रधानमंत्री अपनी एक कैबिनेट बनाता है और वो सारे कैबिनेट के लोग मिलकर के सरकार चलाते हैं। ये एक हमारा लोकतंत्र का फंडामेंटल है, या आप इसको कह सकते हैं फाउंडेशंस है। लेकिन और उस कैबिनेट के जो उनकी कैबिनेट एक होती है प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उनके कुछ खास मंत्री होते हैं, आप अभी के जो
करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी कैबिनेट का भी आपको पता है, उसी तरह से मनमोहन सिंह की भी एक कैबिनेट होती है। और ये जो कैबिनेट जो होती है जिसमें कुछ सीनियर मंत्री होते हैं, ये मंत्री सारा डिसीजन चाहे वो किसी से रिलेटेड भी हो बैठ करके एक कोऑर्डिनेशन के साथ उसको डिस्कस कर करके बताते हैं। तो उस समय का एक बहुत बढ़िया इसमें उदाहरण आया है, एक बहुत बढ़िया यहाँ पर एक्सप्लेन एक पेज में संजय बारू ने लिखा है, उन्होंने इसमें लिखा है पेज नंबर 72 आप पढ़ें, मैं कुछ चार लाइन इसमें पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए, ऑन वन ओकेजन ही अराइव्ड एट 7 CR जस्ट मिनट बिफोर द PM's लेटर टू प्रेसिडेंट लिस्टिंग द नेम ऑफ MPs टू बी सोन इन अ मिनिस्टर्स इन रिसफल वॉच डिस्पैच्ड सिंस द लेटर हैड बीन टाइप्ड एंड साइंड एंड वॉज रेडी टू बी डिलीवर्ड एंड प्रेजिडेंट वॉर वेटिंग टू रिसीव इट। तो कैबिनेट में जो है रिसफल होना था, तो उस रिसफल में मंत्रियों के नाम गए कि इसकी जगह ऐसे बना दो, इसकी जगह ऐसे बना दो। तो उसमें एक उत्तराखंड के नेता हैं हरीश रावत, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनका नाम था, उन्हें एक मंत्रालय बनाना था जो लिस्ट में नाम चला गया था। तो ये लास्ट मोमेंट पे इन्होंने ये हरीश रावत का जो नाम है वो रिप्लेस कर दिया आपके आंध्रा के एक एमपी थे जिनका नाम था सुब्रमणी रेड्डी। तो इन्होंने उसमें क्लियर लिखा कि रेडी टू बी डिलीवर्ड एंड द प्रेसिडेंट वाज वेटिंग टू रिसीव इट, इट वाज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम रीटाइपिंग द लेटर द न्यू नेम बीइंग कैनवास्ड बाय द पटेल, अहमद पटेल जो सोनिया के खास थे, एक पैरेलल सरकार चलाते थे सोनिया के साथ मिलकर के, उन्होंने लिखा है वुड बी टाइप्ड ओवर एन एग्जिस्टिंग नेम विद द नेम बीइंग प्रिंटेड ओवर द वाइटनर, दस वाज आंध्रा एमपी सुब्रमण्यम रेड्डी एकोमोडेटेड इनटू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जनवरी 2006 आफ्टर वाइट पेंट हैड बीन अप्लाइड ओवर द नेम ऑफ हरीश रावत एन एमपी फ्रॉम उत्तराखंड। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री ने रिकमेंडेशन दे दी, सारे मंत्रियों के नाम आ गए जो रिसफल में बनने हैं, उसकी लिस्ट भी बन गई, लिस्ट पहुंच भी गई। तो क्या होता है, 10 जनपद से सोनिया गांधी के घर से मैसेज आता है कि ये फला आदमी को रिप्लेस कर दो। अभी इतना टाइम भी नहीं था कि आप जो है उसको टाइप कर पाते लेटर को, तो आपने क्या करा, उसको वाइटन उसका वाइट उसके ऊपर लगा के उसके ऊपर आपने हाथ से नाम लिख दिया। यू कैन सी दैट। तो इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण उनकी सरकार में किस तरह के होते थे ये देखने को मिलेंगे। इसी तरह का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल उनके टाइम पे हुआ था, वो बहुत ही आपको सुनने में आता है न्यूज में। आपको अगर ध्यान हो, राजीव गांधी की डेथ के बाद आपको जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस जीती, कांग्रेस में एक जो है प्रधानमंत्री जो नॉन गांधी फैमिली से आए, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत फेमस थे, वो प्रधानमंत्री बने। तो उनके आने के बाद हुआ ये कि उन्होंने जो है अपना जो एक गांधी परिवार का जो एक वर्चस्व था राजनीति के ऊपर, उसको कम करने की कोशिश करी। तो उस समय का एक उदाहरण है, उनके समय का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये बहुत बात का उदाहरण है कि सोनिया गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं पीवी नरसिम्हा राव की जो एक कोशिश थी कि गांधी परिवार का जो वर्चस्व कांग्रेस पर पार्टी पर है उसको कम करने का उन्होंने थोड़ा काम अपने शासनकाल में किया था, उससे बदला लेने के लिए जब UPA की गवर्नमेंट थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय सोनिया गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। पेज नंबर 72 एंड 73 आप पढ़ें, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बात उस समय की है जब नरसिम्हा राव की डेथ हो गई थी और जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, और आप अब जिस तरह की परंपरा थी वो परंपरा के हिसाब से जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको दिल्ली में राजघाट या किसी ऐसी जगह पर उनकी
समाधि बनाई जाती है, उनको वहाँ पर जलाकर के उनकी समाधि बनाई जाती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर एक ऐसी बनी कि नरसिम्हा राव को सोनिया गांधी के कहने पे कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर तक नहीं लाने दिया गया, उनको सीधे हॉस्पिटल से कुछ ऐसा बनाया गया कि उन्हें सीधे हॉस्पिटल से आंध्रा उनके घर भेज दिया गया। और ये एक बहुत फेमस कंट्रोवर्सी है और आप कई बार इसको सुनने को आता है कि एक जो कांग्रेस के इतने बड़े भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने टाइम पर इकोनॉमी में इतना इम्प्रूवमेंट करा और पूरी कंप्लीट 5 साल सरकार चलाई, उनके साथ ये व्यवहार करा। आप 73 नंबर पेज किताब ये बुक में आप ये कंट्रोवर्सी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगले उस पर जाता हूँ। अगला कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें पढ़ी हैं कि सोनिया गांधी का फैमिली का किस तरह का इंटरफेरेंस था। तो उनकी फैमिली जो प्रधानमंत्री डिसीजन ले लेते थे वो फाइलों में सिग्नेचर कर देते थे, वो फाइलें वापस जो है अहमद पटेल के द्वारा सोनिया गांधी के दफ्तर जाती थी, सोनिया गांधी के घर पे जाती थी, फिर वो वापस से रिव्यू होती थी और उसमें जो चेंजेस होते थे वो वापस से फाइलें आती थी। तो ये आप पढ़ना चाहें इस तरह का तो 68 और 69 पर बहुत क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर इसमें यहाँ पर बहुत क्लियर कट इसका उदाहरण दिया हुआ है कि ये कैसे होता था। आप ये डिस्कस कर रहा था कि मीडिया का किस तरह से इंटरफेरेंस होता है। तो उस समय का एक 77 नंबर पेज पे आप इसको ध्यान से पढ़ें, बड़े अच्छी इससे चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मीडिया का इंटरफेरेंस किस तरह से होता है। ये उस समय का एक सीपीआई के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे बुद्धा देव, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में इसमें लिखा है। देखिए, ऑन द इवनिंग ऑफ 18th पार्टी कांग्रेस इन दिल्ली इन अप्रैल 2005, बुद्धा देव मेट डॉक्टर सिंह एंड एश्योर्ड हिम दैट देयर वुड बी नो चेंज ऑफ लीडरशिप एंड दैट सब्जेक्ट वुड कंटिन्यू इवन एज डॉक्टर प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनल NDTV रिपोर्टेड टू ब्रेकिंग न्यूज दैट CPMI पार्टी कांग्रेस वुड सी अ चेंज ऑफ गार्ड विथ कारत रिप्लेसिंग सुरजीत। I was sitting in the visitor room of 7RCR and watching the news while Dr. Singh and Buddha Dev were having dinner. I immediately went into the dining room and informed them that NDTV had claimed Karat was likely to replace Karat ek मंत्री थे सॉरी एमपी थे CPMI के टू सुरजीत भी एमपी थे, तो कैरत की जगह पर सुरजीत को रिप्लेस किया जाएगा। वी ऑल नो दैट NDTV हैड एन इनसाइड लाइन टू CPMI सिंस NDTV प्रणव रॉय वॉज मैरिड टू राधिका रॉय सिस्टर ऑफ बृंदा कैरत अ CPI लीडर एंड द वाइफ ऑफ प्रकाश कैरत। तो ये आप देखिए, प्रधानमंत्री और बुद्धादेव राव बैठ करके डिनर कर रहे हैं, अभी चीज़ें डिसाइड भी नहीं हुई और न्यूज पे ये फ्लैश होना चालू हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से मीडिया कंट्रोवर्सी होती हैं, किस तरीके से मीडिया आपकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। तो उनके जो मीडिया एडवाइज़र थे संजय बारू जिन्होंने किताब लिखी है, वो खुद जा करके प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ That news is flashes, which is you have not yet disclosed anything. तो इस तरह की इसके बाद एक और बहुत important चीज़ें इसमें हैं। आप पेज नंबर 82-86 पढ़ें, इसके अंदर UPA गवर्नमेंट के कोलेशन रिलेशनशिप कैसे थे आपके ड्यूरिंग UPA 1 and 2, उसका पूरा डिटेल है। उसमें स्टोरी है CPMI जो अभी मैंने एक डिटेल आपको बताई, इसके अलावा जो है बाकी पार्टियों के साथ लालू प्रसाद यादव हैं उनकी पार्टी है, कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं क्या करते हैं, इनके बारे में बड़ा डिटेल है, आप पढ़ें इसको, बहुत अच्छा इसमें डिटेल दिया है। इसके अलावा पेज नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मनमोहन सिंह टॉक्स ऑल डिसीजन विद कंसेंसस ऑफ एलायंसेस पार्टीज स्पेशली करुणानिधि शरद प्रसाद
लालू प्रसाद और बंगाल के जो सीपीएम के बड़े लीडर थे उनसे मिल करके ये कैसे गवर्नमेंट कोलिशन चलाते थे, डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस होते थे, क्या क्या चीज़ें नेगोशिएट होती थी, ये बहुत अच्छा इसमें डिटेलिंग की हुई है किताब के अंदर, पेज नंबर 88 आप पढ़ें। इसके अलावा पेज नंबर 90 आप ज़रूर पढ़ें और पेज नंबर 5 आप पढ़ें, शुरुआत में ही 5 नंबर है उसके अलावा 90 में, जिसमें मनमोहन सिंह ने खुद ही ये कहा है आई एम एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसके उसके जो क्या डिटेल थी, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या कंट्रोवर्सी थी ऐसी, तो ये इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा एक सिचुएशन मनमोहन सिंह के सामने गवर्नमेंट चलाते चलाते ऐसी आई थी कि ही फील वेरी डिफिकल्टी टू रन द गवर्नमेंट, बिकॉज कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे, कांग्रेस के जो पार्टी के सीनियर लीडर थे, वो आपस में कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी, उनके इन्फ्लुएंस से मनमोहन सिंह को कोई तवज्जो नहीं देते थे। उनमें अर्जुन सिंह का उदाहरण है, अर्जुन सिंह उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे, नटवर सिंह आपके विदेश मंत्री होते थे, इन सब का बड़ा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें, ये आपको पेज नंबर 93 में मिलेगा जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें डिटेल आउट करी हैं संजय बारू ने। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया इसमें है 93 में कि जो है मीडिया में न्यूज़ कैसे आपकी लीक होती हैं, कैसे स्टोरी को प्लांट किया जाता है, क्योंकि संजय बारू खुद मीडिया एडवाइज़र थे तो सारी जो मीडिया की जो चीज़ें थी वो डील करते थे, तो स्टोरीज कैसे प्लांट की जाती हैं, कैसे बोल के मीडिया को चीज़ें न्यूज को आपको क्या बोलते हैं चिंगारी लगा करके न्यूज को उछाला जाता है, तो ये सब आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। आप इसमें पढ़ें पेज नंबर 97, इसमें एक NDTP की स्टोरी अबाउट नटवर सिंह जो उस समय विदेश मंत्री थे, उनके बारे में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसका थोड़ा डिटेल आउट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा पेज नंबर 94 से लेकर के 104 नंबर तक मैं बहुत अच्छी डिटेल की हुई है कि UPA 1 एंड 2 में मनमोहन सिंह की कैबिनेट और गवर्नमेंट उसको सरकार को चलाने वाली एक पैरेलल थी, उसी के पैरेलल एक सरकार चलती थी जो मैंने आपसे बताया सोनिया की, और सोनिया के जो कुछ मंत्री थे जिसमें अहमद पटेल एक थे, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते थे, वो पैरेलल क्या क्या डिसीजंस कैसे होती थी, फाइलें कैसे मूव होती थी डिसीजन से पहले, और उन फाइलों के डिसीजन को चेंज कैसे किया जाता है, इस तरह के थोड़े से डिटेलिंग आपके आपको पढ़ने को मिलेगी। आप 94 से लेकर के 104 तक इस बुक को पढ़ें। उसके अलावा कुछ और हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इतने छोटे से टाइम में डिटेल आउट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें बताते हैं कि कैसे मनमोहन सिंह कहाँ मनमोहन सिंह करते थे। मनमोहन सिंह की एक बहुत अच्छी ब्रांड मनमोहन, मतलब कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को आपका एक तरह से उनकी, क्योंकि उनकी इमेज बहुत अच्छी है, हाईली एजुकेटेड हैं, एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और सबसे अच्छी बात थी एक सिंगल पेनी का भी उन पर करप्शन का कोई चार्जेस आज तक फ्रेम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल क्लीन नेचर थी। तो ये जो ब्रांड मनमोहन थे, इसको कैसे इन्होंने यूटिलाइज किया, इसका फायदा कैसे उठाया, ये इसमें बड़ी डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और ये आपको पेज नंबर 112 में इसकी थोड़ा सा डिटेल मिलेगी। अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और चीज़ इसमें आती है जिसके बारे में थोड़ा सा किस तरीके से मनमोहन सिंह मीडिया से डिटेल करते थे, उनके लिए पहली जो कॉन्फ्रेंस अरेंज करी संजय बारू ने उनके एज ए ब्रांड
को जो है यूटिलाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए, उसका उदाहरण 122 नंबर पेज में आपको मिलेगा कि कैसे जो है सोनिया उनको यूज करती थी और वो किस तरीके से एक एज ए रबर के स्टैम्प पीएम यूज होते थे, इसका बहुत अच्छा डिटेलिंग 122 नंबर पेज में आप पढ़ें। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ जो योजनाएं जो मनमोहन सिंह अपनी सरकार में लेकर आए उनमें से एक थी मनरेगा। मनरेगा क्या थी कि आपके जो मजदूर थे उनके लिए छोटे छोटे रोजगार पैदा करना और उसके द्वारा उन लोगों को पैसा देना, अधिक से अधिक उनकी इनकम को बढ़ाना, बहुत पॉपुलर योजना थी मनरेगा। ये पेज नंबर 142 और 143 आप पढ़ें, 142 एंड 143 पेज नंबर। इसमें ये दिखाया गया है, देखिए पूरा ब्रेन किसका था, एक बिहार के कोई मंत्री थे उनका ब्रेन था और प्लस एक जो है मनमोहन सिंह, ये दोनों ने ये पूरी योजना को प्लान करा और इसका क्रेडिट कौन उठा के ले गया, क्रेडिट पूरा उठा के ले गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जा करके मीडिया में उसको एक्सप्लेन करा और बताया और उसका पूरा क्रेडिट मिल गया राहुल गांधी को। बड़ा अच्छा इसका उदाहरण है, 142 से 143 पढ़ें आप इसको। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद बिहार के मंत्री होते थे आरजेडी के, बड़े अच्छे हैं, अभी भी एमपी हैं वो। उन्होंने और मनमोहन सिंह ने ये पूरी योजना का एक प्लान बनाया, इसको पूरा एग्जीक्यूट कराया, इसको कार्यान्वित करने में पूरा इनका हाथ था। देखिए कैसे राहुल गांधी इसका क्रेडिट ले गए, बड़ा अच्छा डिटेलिंग है, इसको आप पढ़ें। इसके अलावा 142, 143 और 144 और 45 तक इसका पूरा डिटेल है। उसके अलावा पेज नंबर 158 to 159 जरूर पढ़ें। इसमें मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमी का उनका जो अपना एक एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काम करा, उसका बहुत डिटेल इस किताब के अंदर है। तो उससे भी आपको वो पहलू मनमोहन सिंह का और उस सरकार के द्वारा किए गए इस तरह के कुछ डिसीजन का आपको मिलेगा। तो ज़्यादा डिटेल मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम कम है, छोटा वीडियो बना रहा हूँ। बस आप सिर्फ ये किताब पढ़ें, मैंने कुछ ऐसे रोचक जो उदाहरण हैं इस किताब के अंदर वो आपको बताएं। इन शॉर्ट ये था कि UPA 1 UPA 2 दोनों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री वो जरूर थे लेकिन वो एक रबर की स्टैम्प थे और उसकी एक पैरेलल सरकार सोनिया और उनके कुछ लोग चलाते थे, उनमें अहमद पटेल एक व्यक्ति थे, उनके साथ अभी भी हैं, उनके परिवार से बहुत क्लोज हैं। और वो कैसे पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, डिसीजन कैसे होते थे, ब्यूरोक्रेसी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता था, उसके अलावा जो है डिसीजन में कैसे सोनिया और उसकी फैमिली का इंटरफेरेंस होता था, राहुल का क्या रोल था, राहुल गांधी का क्या रोल था। तो संजय बारू की ये किताब में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है और सरकारों में जो मैंने बोला पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं स्पेसिफिकली UPA 1 और UPA 2 में कैसे कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस रहता था, डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता था और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्लीन था, जो एक इंटेलेक्चुअल है, जो एक थॉरो इंटेलिजेंट है, जो एक इकोनॉमिस्ट है, उसकी ब्रांड को कैसे उसका जो है उसको एक्सप्लॉइट किया गया इन दो शासनकाल में 10 साल के अंदर, ये इस किताब के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, जरूर पढ़ें। मेरा अगली किताब कौन सी होगी अभी मुझे नहीं पता, बहुत सारी किताबें मुझे पढ़नी है। मोस्ट प्रोबेबली द कोलेशन ईयर्स प्रणब मुखर्जी की एक बहुत किताब है उसको मैं करूँगा, या इसके अलावा कॉरपोरेट फ्रॉड, कॉरपोरेट सेक्टर में कैसे फ्रॉड होता है उसके बारे में, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, मैं अगली एक सीरीज लेके आऊँगा, अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन सी मैं पढ़ूँगा।
पढ़ रहा हूँ किताब और उसके बारे में इसी तरह की समीक्षा, इसी तरह का रिव्यू मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे इस चैनल को रिव्यू बुक्स टीटी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो बेल आइकन का बटन होता है उसको क्लिक कर लें, ताकि मैं इस तरह की जो सीरीज आगे जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।